आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हाल में किया गया। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद कमलेश पासवान, विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, शीतल पांडे, संत प्रसाद, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता, डीएम के विजेंद्र पांडियन, आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी शलभ माथुर सहित अन्य जन प्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया तथा 5 लाभार्थी पुनीता, रोहन, राम मिलन भारती, कैलाश और उषा देवी को गोल्डन ई कार्ड वितरित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत का रांची में विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण का उपस्थित जनों द्वारा अवलोकन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने आयुष्मान भारत का थीम सॉन्ग का विमोचन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों भारतवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु मुफ्त चिकित्सा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को ₹5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना से देश के लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 108 बेड का रैन बसेरा भी समर्पित किया गया है। यहाँ पर 500 बेड का बाल चिकित्सा संस्थान भी बनाया जा रहा है। सीआरसी की स्थापना का कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। इससे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा सबसे क्रिटिकल स्थिति होने के बावजूद देश के अंदर सबसे अच्छा तैयारी की दिशा उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन करके इस बात को कहा है कि हम ट्रस्ट मॉडल पर राज्य सरकार इस व्यवस्था को स्वयं लागू करेगी और प्रदेश के अंदर पहले चरण में 1,18,00,000 परिवार यानी हम सीधे सीधे इस योजना के माध्यम से 6 करोड़ लोगों को एक साथ इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। 4 करोड़ बढ़ी है। सर्वे की कुछ विसंगतियां सामने देखने को मिली थी, इसलिए हमारा ये मानना है कि जो छूटे हुए परिवार हैं वे छूटे हुए परिवार अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, हमारी सरकार इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करने के लिए आई है कि आपको हम हर हाल में इस सुविधा से कवर करने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी परिवारों तक हमारी सरकार पहुंचेगी, स्वास्थ्य विभाग का ये महकमा पहुंचेगा और उन लोगों को भी इस आयुष्मान भारत की नमो केयर की इस योजना के साथ कवर करने का कार्य करेगा और उन्हें इस योजना से भी उन्हें भी लाभान्वित करने का प्रयास उस योजना के साथ उन्हें भी लाभान्वित करेगा। एक बहुत बड़ा कार्य आज देश के अंदर सचमुच हुआ है, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। हम लोगों ने पिछले 40 वर्षों में इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों को असमय कालकल्पित होते हुए देखा है। यहां पर इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें होती थी और उन मौतों के कारण ज्यादातर उस मौत का कारण क्या था? गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना और इन सब कारणों से ये जो चीजें यहां पर देखने को हमें मिलती थी। हमने विगत 40 वर्षों से गोरखपुर ने देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए जब गोरखपुर के इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आता था 1998 तक तो इस बीमारी का संज्ञान भी नहीं लिया गया था। लोग आते थे, कहा जाता था नौकी बीमारी है और नौकी बीमारी के नाम पर जैसे तैसे एक उपचार हो जाता था। कोई ज्यादा उसमें ये बोलता था कि उपचार का क्या स्तर है, लोग कहते थे कि हमने सैंपल जांच करने के लिए पुणे भेजा हुआ है। ना वैक्सीन लगता था, ना यहां पर कोई जागरूकता के कार्यक्रम चलते थे, ना यहां पर वार्ड थे, ना यहां पर उपचार की व्यवस्था थी। जब 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था तब यहाँ के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत कराया कि यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत पेशेंट भर्ती हैं और वे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हैं, सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।
मैं उस समय यहां आया था, उस समय आकर के मैंने यहां की स्थिति को देखा था। यहां का टॉयलेट, जो बाल रोग विभाग का टॉयलेट था, वह लगभग 8-9 वर्षों से चौक था। आप अनुमान कर सकते हैं, तीसरे मंजिल में वार्ड है, तीसरे मंजिल का टॉयलेट भी चौक पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ था, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट भरते लेटे हुए थे, पंखे नहीं चल रहे थे, भयंकर गर्मी थी और साथ साथ बदबू भी थी। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। मेरे साथ जो लोग अंदर गए थे उनमें से बहुत सारे लोग उल्टी करने लग गए थे, लेकिन मैं आया, बाहर आया, आकर मैंने प्रिंसिपल से समय मांगा मिलने का। वे पहले तो चाहते नहीं थे कि मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आके देखूं उस वार्ड को, लेकिन जब मैं आई गया तो मेरे आने के पहले प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत लंबी चौड़ी सूची तैयार करके रखी थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास बिस्तर नहीं है, हमारे पास दवा की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यानी और स्वाभाविक थी स्थिति थी कि एक कॉलेज पर आप पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर बिहार की पूरी आबादी यहां आती है, आज भी आती है, नेपाल की तराई की पूरी आबादी यहां आती है, इससे बड़ा लोक का कल्याण क्या हो सकता है कि हमने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, हमने जो भी आया उपचार की व्यवस्था अपने स्तर पर करना प्रारंभ किया और यहां पर किया, और उसके बाद तब हम लोगों की लड़ाई प्रारंभ होती है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के उपचार की मुफ्त में व्यवस्था पहले चरण में, फिर वैक्सीनेशन हो इसके लिए एक अभियान चलाया गया, और 2004-05 में, जब 2004 में वैक्सीन स्वीकृत हुए, पहले 2003 में वैक्सीन स्वीकृत हुए, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने मुझसे कहा कि हम आपको 1,00,000 वैक्सीन दे रहे हैं और इस वैक्सीन को आप वहां जरूर लगवाइएगा। तो मंत्री तो ये समझते थे कि वैक्सीन 1,00,000 वैक्सीन बहुत ज्यादा है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो बहुत कम है। उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, 1,00,000 वैक्सीन दे रहे हैं, 1,00,000 को आप कम कर रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उन्होंने कहा कितनी है? मैंने कहा 3 करोड़ की आबादी है हमारी, और 3 करोड़ की आबादी में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की अगर हम गणना करें तो उसमें से 1 करोड़ है, एक बच्चे पर अगर 3 वैक्सीन लगने हैं तो यहां तो हमारे 33,000 बच्चों पर भी नहीं लग पाएंगे। 33,000 उन्होंने कहा आप अपने संसदीय क्षेत्र में लगाइए। मैंने कहा नहीं, अगर हम लोग लगाएंगे तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर करेंगे, हम भेदभाव नहीं कर सकते, जो भी आएगा हम उस सबको वैक्सीन देंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो माउस कल्चर से केवल 3,00,000 वैक्सीन की सुविधा है, आप चाहेंगे हम 3,00,000 दे देंगे। मैंने कहा 3,00,000 नहीं, मुझे पहले चरण में कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए, और 1 करोड़ वैक्सीन कहां से आने हैं? सरकार का काम है, और फिर टिश्यू कल्चर से वैक्सीन आएंगे, बाहर से हम वैक्सीन मंगाएंगे। ये व्यवस्था उस समय प्रारंभ हुई थी और 2005 में पहली बार यहां पर इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीन के कार्यक्रम का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ था और बहुत अच्छा सफलतापूर्वक अभियान चला था, क्योंकि उस अभियान में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें जगह जगह जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, हम लोग उसके भागीदार बने थे, पल्स पोलियो की तर्ज पर उस अभियान को आगे बढ़ाया था। अलग विषय है कि उसके बाद के वर्षों में स्वास्थ्य विभाग ने उस अभियान को उस रूप में नहीं लिया, लेकिन वह व्यवस्था अगर उस समय जैसे लागू की गई थी वही चीज होती तो हम लोग काफी पहले इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा चुके होते। लेकिन वैक्सीनेशन का प्रभाव पड़ा था, जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम में इसका बड़ी भूमिका रही। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जो एक साथ स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाने के बाद हम लोगों ने विगत वर्ष से जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ग्राम्य विकास है, पंचायती राज है, नगर विकास है, महिला और बाल विकास विभाग है, हमारे इन सभी 6 विभागों ने मिलकर के स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए जो संयुक्त अभियान चलाया है, इस बार उसके बहुत अच्छे परिणाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हम स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, अगर हम समय पर वैक्सीनेशन कर सकें, अगर हम समय पर लोगों को स्वच्छता के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूक कर सकें, तो मेरा यह मानना है
कि इंसेफ्लाइटिस को हम सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, और केवल इंसेफ्लाइटिस ही नहीं समाप्त होगा बल्कि इंसेफ्लाइटिस के साथ साथ डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, ये मलेरिया है, ये जितनी भी अन्य ऐसी बीमारियां हैं, इन सभी विषाणु जनित बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। और मुझे लगता है उसमें आम जन की सहभागिता इस देश से बहुत बड़ी हो सकती है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, सरकार अपने स्तर पर कार्य करेगी लेकिन समाज को भी सरकार की योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा, जन सहभागिता के साथ इस प्रकार के इन बीमारियों को समाप्त करना। आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 2006-07 में हम लोगों ने यहां वायरोलॉजी सेंटर दिया था। अलग विषय है कि वो केवल एक हाई पैथोलॉजी लैब बनकर के रह गई थी, लेकिन आज यहां पर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी शिलान्यास विगत माह हम लोगों ने किया है। यानी अब इस प्रकार की किसी भी बीमारी के लिए इंतजार करने के लिए हमें पुणे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में ये संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल का भूभाग की लगभग 5-7 करोड़ की आबादी एक अच्छी बेहतर विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उसको गोरखपुर में उपलब्ध हो पाएगी। हर बीमारी की पहचान करना, हर बीमारी के उपचार की व्यवस्था करना, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में एम्स भी दिया है और हमारा प्रयास होगा कि अगले महीने 8 नई सुपर स्पेशलिटी का शुरुआत हम इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करने में सफल होंगे। उसके लिए स्टाफ आदि की व्यवस्था के लिए भी हमारी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है, उस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए कह दिया है और हमारा प्रयास होगा कि एम्स के बनने के पहले मिनी एम्स के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं कार्य करना प्रारंभ करेगा और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। आज हम जब इंसेफ्लाइटिस वार्ड में जाते हैं तो मुझे 1998 की बात याद आती है, जब मैं पहली बार गया था पसीने से तर था मैं, कैसे वहां पर वार्ड में बदबू और गर्मी के बीच में वे लोग रह रहे थे। लेकिन आज जब जाते हैं हम एपिडेमिक वार्ड में, इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में, आप देखते होंगे टोटल एसी है, हर एक एक बेड में एक एक बच्चा लेटा है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, कहीं भी किसी को कोई भी कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। और हम लोगों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस वार्ड के ठीक सामने 108 बेड का एक रेन बसेरा भी यहां के लोगों को समर्पित किया है। जो पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट हैं वह भी सम्मानजनक ढंग से बैठ करके कुछ क्षण आराम भी कर सकें, यह महत्वपूर्ण है और उसको भी वहां पर हम लोग समर्पित कर चुके हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर की सड़कें पिछले 15-20 वर्षों से नहीं बन पाई थी, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे थे, स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने नगर विकास से कहा कि भाई ये नगर विकास का ही हिस्सा है, आप इसको बनवाइए। मुझे आश्चर्य होता है कि यहां पर इस बात के लिए आंदोलन हुआ कि नगर विकास इस यहां कार्य क्यों कर रहा है, यानी नगर के अंदर गोरखपुर के अंदर कोई व्यक्ति अगर आता है तो गोरखपुर के प्रत्येक वासी का एक दायित्व तो बनता है कि वह गोरखपुर का है तो अच्छा है, गोरखपुर के बाहर का आता है तो हमारा अतिथि है, उसका सम्मान करना, उसकी सुविधा में कहीं किसी प्रकार का कोई रोक टोक न हो, यह हम सबका दायित्व तो बनता है। लेकिन संकीर्ण सोच वाले लोगों ने इसका विरोध किया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर सड़कें क्यों बन रही हैं, वहां के नाले क्यों साफ हो रहे हैं, वहां पर सफाई का काम क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने कभी अच्छा काम किया नहीं उनको अच्छा काम भी बुरा लगता है, और इसलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर जब स्वच्छता के अभियान को लेकर के, यहाँ की सड़कों के निर्माण को लेकर के, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जब एक कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया तो उन संकीर्ण सोच वाले लोगों ने भी यहाँ इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को और नगर निगम को, नगर विकास मंत्रालय को, विभाग को, जिन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर की सड़कों को चलने लायक बनाया है। कोई मरीज, उसका अटेंडेंट या उसका कोई भी अन्य परिचित कोई भी अगर उससे मिलने के लिए आता है
तो उसको अब यहाँ पर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मिनी एम्स के रूप में अपनी बेहतर सेवाएं लोगों को देने के लिए तैयार हो सकेगा। एक महत्वपूर्ण पहल होगी और मुझे लगता है उस महत्वपूर्ण पहल में भी हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है ये तो तैयार हो ही रहा है, साथ साथ उसके बगल में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 500 बेड का एक बाल चिकित्सा संस्थान भी बनाया जा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस या किसी भी विषाणु जनित बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक विकलांगता के शिकार हुए बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए भी यहाँ पर एक सीआरसी की स्थापना का कार्य भी स्वीकृत हो चुका, उसका शिलान्यास का कार्य संपन्न हो चुका है, वह कार्य भी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर प्रारंभ होगा। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराए, यह एक महत्वपूर्ण पहल और अच्छे ढंग से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहूंगा कि जैसे स्वास्थ्य विभाग ने इस बार नोडल विभाग बन करके पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाई थी, चलाने के लिए तो अब लोग बोलने के लिए अपने तरीके से किसी चीज की विवेचना कर सकते हैं और उनके अपने तरीके हो सकते हैं। मैं जैसे एक पेपर में पढ़ रहा था कि पिछले 9 महीनों में इस हॉस्पिटल में इतने बच्चे मरे, लेकिन उस श्रीमान जी ने यह दिखाने का प्रयास नहीं किया कि उस हॉस्पिटल में 9 महीनों में कितने पेशेंट आए थे और कितने लोग उपचार करके ठीक होकर के गए हैं। मुझे लगता है जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं। हम सकारात्मक सोच के साथ जब रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारी रिपोर्टिंग को या हमारे कार्यक्रम को मान्यता मिलेगी। जब हम नकारात्मक सोच के साथ किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे कोई उसको मान्यता नहीं देने वाला है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हो या प्रदेश का कोई भी स्वास्थ्य संस्थान, बिना भेदभाव के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रतिबद्धता के साथ साथ आज हमारे पास एक नया अवसर आया है। जब हम आयुष्मान भारत के माध्यम से अपने हॉस्पिटल्स की स्थिति को भी सुधारने की दिशा में कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, बहुत बेहतरीन कार्य हो सकता है। और उस बेहतरीन कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल हम सबके स्तर पर हो सकती है। आज अब तक हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज ही है, मुझे लगता है कि इन संस्थानों में अब तक हम लोग अपनी सेवाएं मुफ्त में देते रहे हैं, मुफ्त में सारी सुविधाएं हम देते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए आयुष्मान भारत में अगर पैसे की व्यवस्था है हम उसका एक मद बनाएं और उस मद को अलग से उसका अकाउंट बना करके हम बेहतर सुविधाएं दें। जहां पर हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, सारी सुविधाएं हैं, वहां पर तो हम ये सुविधाएं दे ही, लेकिन जहां पर नहीं है आवश्यकता पड़ती है तो पीपीपी मोड में हम बेहतरीन सुविधा दें और एक नई प्रतिस्पर्धा को स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कार्य करें कि सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा दी जा सकती है, बशर्ते उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ सकें। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो नमो केयर के रूप में आयुष्मान भारत की जो योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की जा रही है यह एक बेहतरीन पहल है। प्रत्येक गरीब को, और जिसको सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय की जो बात की थी, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की जो बात कही थी, आज जब हम यहां पर आए हैं मुझे लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार करते हुए कि हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का बेहतरीन पहल कर पाएंगे। और इस दिशा में मुझे लगता है कि अब जो रेट तैयार कर दिए गए हैं, हर एक के पैकेज तैयार कर दिए गए हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या में पेशेंट किस किस के होंगे। और मैं चाहूंगा कि हर हॉस्पिटल में लिस्ट टांगी जाए किस किस बीमारी के उपचार हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति
उसको सामान्य सरदर्द हुआ या सामान्य उसको जुखाम हुआ और उसके लिए वो चला गया, कोई ब्लड प्रेशर नापने के लिए चला गया। इस बात को आप नोट कर लें कि किन किन बीमारियों के उपचार होने हैं, उसकी सूची होनी चाहिए वहां पर। और अगर कोई पेशेंट देखना चाहता है कि उसको उपचार में कितना सरकार की सहायता है, उसकी सूची भी हमें वहां लगानी चाहिए कि इस उपचार के लिए इतने का पैकेज सरकार का है, जिससे उस व्यक्ति को भी जानकारी होनी चाहिए कि उसके उपचार में सरकार ने कितना खर्च किया है। ये सारी चीजें हम लोग अगर दे देंगे तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी समझ पाएगा कि सरकार मेरे उपचार में कितना योगदान दे रही है। और साथ साथ व्यापक जागरूकता के माध्यम से एक टीम वर्क के रूप में इस पूरे अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत के केस में रोहन पुत्र राम मिलन, ये लंगड़ी गुलरिया के रहने वाले हैं, इनके दिल में छेद है, इनको गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इसके उपचार के लिए 1,10,000 रुपए का रेट योजना के अंतर्गत जो फिक्स है, उक्त बीमारी के इलाज में 1,10,000 का खर्चा जो योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, गरीब के लिए इलाज इसमें फ्री है। और इसको जो भी इम्पैनल हॉस्पिटल होगा उस इम्पैनल हॉस्पिटल में इस बच्चे का उपचार भी आज यहां पर हम लोग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर रोहन और उनके परिवार के लोगों को 1,10,000 एक गरीब के लिए बहुत होता है। बहुत सारे परिवार होंगे जिन्होंने 1,10,000 रुपये नहीं देखा होगा, एक मुश्त नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मैं देखता हूं क्योंकि मुझे पिछले मैंने बाप को जो बताया कि 15-16 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में लगातार जमीन से जुड़ करके कार्य कर रहा था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि गरीब की पीड़ा क्या होती है। लेकिन वह उपचार के लिए अपना खेत बेचता था, अपना घर बेचता था, अपने जेवर गिरवी रखता था, बहुत सारे कार्य करता था। रोहन, मुझे लगता है कि अब किसी गरीब को अपना खेत नहीं बेचना पड़ेगा, अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, अपने घर के परिवार की इज्जत का जो के प्रतीक होते हैं जेवर, उनको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। एक बड़ा कार्य यह होने जा रहा है और यह सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो रही है। अब किसी को पैसे के लिए, उपचार के लिए, पैसे के लिए कहीं इधर उधर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। पिछले 1.5 वर्ष में मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता था, एक एक गरीब का पत्र मेरे पास आता था उपचार की दिशा कि मेरे उपचार में इतना पैसा, तो मैंने इस बात को कहा, मैंने कभी जो भी ऐसे परिवार आते हैं तत्काल जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगो, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग करके और मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं उसको धनराशि उपलब्ध कराता था। मुझे लगता है मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से हम लोग अब अन्य लोगों को सहायता कर पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी और कोई भी गरीब अपने प्रियजन को उपचार की सुविधा होने के बावजूद धनराशि के भाव में, पैसे के भाव में उसको अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखेगा, बल्कि वह भी गोल्डन कार्ड लेकर के जाकर के बड़े दावे और बड़े गौरव के साथ जाकर के अपने परिवार की किसी सदस्य का उपचार करने में वो सफल होगा। आज के इस आयुष्मान भारत की इस महत्वपूर्ण योजना को, जो दुनिया की सबसे बड़ी आरोग्य की योजना है, आरोग्य की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस की योजना है, इस योजना के प्रारंभ होने पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, 1,18,00,000 परिवार पहले चरण में हमारी योजना में लाभान्वित होंगे और जो बचेंगे उनको भी हम इस योजना से कवर करने के लिए प्रदेश सरकार की मद से पैसा देंगे। इस योजना में 60% पैसा सरकार, भारत सरकार दे रही है, 40% राज्य सरकार दे रही है, लेकिन जो बचेंगे परिवार उसमें 70% धनराशि प्रदेश सरकार देने का कार्य करेगी। आप सबको इस अवसर पर मैं एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 1,18,00,000 परिवार जो हैं, उसमें से प्रत्येक परिवार के सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके नमो ऐप पर आभार व्यक्त करने का एक अवश्य
उनके पास एक मैसेज जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी मैं आह्वान करूंगा कि वे इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और इस अभियान को, इस पूरे नमो केयर की, आयुष्मान भारत की योजना को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आयुष्मान भारत थीम सॉन्ग बनाया गया है जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर का थीम सॉन्ग। नहीं दे पाए हम सब तकनीकी विकास, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था राज्य सरकार, और इसीलिए राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की। लोक कलाकारों से मिलते वो बता रहे हैं कि किस प्रकार कोई लाभार्थी जब अस्पताल पहुंचेगा तो सबसे पहले इसमें अगर कोई शिकायत है तो उसे भी सुनिए कि बीमा का जो क्लेम है उसे 15 दिन ऑलरेडी इन इफेक्ट 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दिस इज अ फेडरल सिस्टम विद द सेंटर एंड द स्टेट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस इन द रेशियो ऑफ 60-40। बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से धन्य धन्य झारखंड भूमि, महान स्वतंत्रता सेनानी, लोक जननायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, निष्ठावान और सच्चे देशभक्त, प्रमुख राष्ट्र नेता, हम सबके अनन्य पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दार्शनिक चिंतक प्रदीप्त नक्षत्र तेजपुंज, अंत्योदय के प्रणेता और भारत के सच्चे रतन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हम सभी पुण्यात्माओं को आदरांजलि जी उसे पहन रहे हैं। और देश में भी पहला है और दुनिया में भी पहला है, आपका सहयोग वांछित है, आपका सहयोग चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसी पर आधारित एक फिल्म रांची में उशी कोको दरो ईचा पीरी शुक्र गुट्टू नावाटोली पिठोरिया, बोकारो में राधानगर बरमसिया, जमशेदपुर में हाइपरटेंशन, मधुमेह
इसमें हेल्पलाइन नंबर भी होगा, 24 घंटे आप फोन करके पता कर सकते हैं। मन के मोर पर बहुत बहुत जोहार, एगो महान उद्देश्यकार संगे मोयम भगवान बिरसा मुंडा कर धरती में आ हूं। मोया आपन के भाई साए मानोना की दुनिया कर सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना कर शुरू झारखंड कर पवित्र धरती से कर दो। झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान सुदर्शन भगत जी, केंद्र में हमारे साथी जयंत सिन्हा जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल, राज्य सरकार के मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, संसद में मेरे साथी श्रीमान रामदयाल चौधरी जी, विधायक श्रीमान रामकुमार साहन जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका आकलन भविष्य में मानवता की बहुत बड़ी सेवा के रूप में होना तय है। आज मैं यहां सिर्फ झारखंड के विकास को गति देने के लिए नहीं, लेकिन तो सुखी रहा सर्वे संतु निरामया, हमारे सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान का ध्यान रांची की धरती पर है। रांची के भव्य समारोह को देख रहे हैं और वे भी इसके बाद वहां इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज यहां मुझे दो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का भी अवसर मिला। हर कोई अपने अपने जो कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है, कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है, अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता
करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही है। उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बीते 4 वर्षों में देश में 14 नए एम की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर राज्य में कम से कम 1 एम्स का को बनाने का काम किया जा रहा है। कार्ड के रूप में और जिस बच्चे का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इन्हें अब इस योजना से इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है, आप सबकी तालियों से इन्हें आशीर्वाद और दुआएं मिले। श्री राम मिलन भारती, ये सब स्वस्थ हो, आरोग्य को प्राप्त करें, आप सब अपनी तालियों की दुआएं इन तक दें। श्री कैलाश और श्रीमती उषा देवी बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं श्रीमती संगीता सिंह मुख्य श्रीमती संगीता सिंह जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम साथ ही प्रभारी मंत्री मानाचार्य बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर गणेश कुमार जी से हम सभी